नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार कहीं पे कीबोर्ड प्ले करने गए हैं या आप प्रोग्राम में बजाने जाते हैं और सबसे शुरुआत का जो है आपको माहौल बनाना है, शुरुआत में ही आपका जो कीबोर्ड है वो पूरा माहौल बना दे अच्छे से, इसके लिए हमको क्या चीज बजाना चाहिए सबसे पहले। जैसे हमारा कीबोर्ड का सब ओके हो गया, साउंड वाउंड फिट हो गया, उसके बाद हमको कीबोर्ड पे कौन सा तान छेड़ना चाहिए जिस पे हमारा एक प्रोग्राम का माहौल बन जाए, तो उसके लिए हमको बजाना पड़ता है वाइब्रोफोन टोन। वाइब्रोफोन आप लगा लीजिए। वाइब्रोफोन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि सिंगर आपका पहला सॉन्ग यानी कि फर्स्ट सॉन्ग जो है वो कौन से स्केल से गाने वाला है, ये आप सिंगर को पूछ भी सकते हैं। सिंगर अगर आपको बताए हैं कि मैं पहला गाना काली चार से या काली तीन से गाने वाला हूं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को प्ले करेंगे, ठीक है। सिंगर जैसे जिस चीज को बोलेगा, या फिर हमारे पास अगर कोई शुरुआत का म्यूजिक है कि हमने सेट करके रखा है कि शुरुआत में एक म्यूजिक बजाना है और उस म्यूजिक को काली चार से हमको बजाना है, तो उस म्यूजिक के बजाने के पहले बैठकी जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम के शुरुआत में, कोई भी जैसे साउंड चेक करने के लिए हम अपना कीबोर्ड पे कोई भी टोन छेड़ते हैं, तो वो साउंड चेक करने के लिए पूरा रिदम के साथ बजाते हैं। लेकिन रिदम के पहले हमको माहौल बनाने के लिए क्या चीज बजाना है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो वो जो साउंड चेक करने के लिए आप जो रिदम के साथ बजाएंगे, उसके पहले आप जिस स्केल पे वो जो साउंड आप बजाने वाले हैं रिदम के साथ, उसी स्केल पे आप वाइब्रोफोन को पहले बजाइएगा। वाइब्रोफोन इसका साउंड जो है देखिए, इस प्रकार से इसका साउंड आता है। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का जो है समा बांध देता है। समा कैसे बांधता है देखिए, गायक अगर काली चार से गाने वाला है या फिर हम नेक्स्ट म्यूजिक जो है वो काली चार पे बजाने वाले, तो हम क्या करेंगे, काली चार का कॉर्ड लगाएंगे ऐसे, इस प्रकार से हम इसको दो चार बार करेंगे। ये पहला तरीका एक इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। दूसरा तरीका इसको बजाने का क्या है, इस प्रकार से भी हम इसको बजा सकते हैं। अब हम यहां पे कौन कौन सा स्वर ले रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहां पे ले रहे हैं सा ग प, ठीक है, ओनली सा ग प। हर सप्तक पे जब हम जा रहे हैं, देखिए एक एक सप्तक हम लेते हैं इस प्रकार का, एक सप्तक ये हो गया, एक सप्तक ये हो गया, एक सप्तक ये हो गया, यहां से स्केल चालू होता है देखिए। तो एक सप्तक जो है वो नीचे नीचे आप एक दो तीन चार पांच छह सात, सात बटन जब आपका खत्म हो जाता है तो फिर से एक सप्तक आ जाता है नीचे नीचे अगर हम देखें, और दोनों बटनों को अगर हम जोड़ के देखें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह सुर होता है एक सप्तक पे। तो एक सप्तक के बारह सुर के बाद दूसरा सप्तक आ जाता है, तो एक सप्तक हमारा ये हो गया, फिर यहां से बारह बटन एक सप्तक फिर हो गया, फिर यहां से बारह बटन एक सप्तक हो गया। तो हर सप्तक के सा ग प यही ले जाना है, ठीक है। और कौन सबसे मेन जरूरी बात जो है वो स्केल को ध्यान में रखना है। अगर हम काली चार पे नेक्स्ट सॉन्ग बजाने वाले हैं तो हमको काली चार पे बजाना है, अन्यथा देखिए यहां पे आप काली दो पे वाइब्रो छेड़ दिए, ये जैसे काली दो है देखिए, ये एक सप्तक हो गया, नेक्स्ट सप्तक का सा ग प ये हो गया, नेक्स्ट सप्तक का सा ग प ये हो गया, फिर अगले सप्तक का सा ग प, फिर अगले सप्तक का सा ग प, ठीक है। ये खाली एक सप्तक पे अगर आपने बटन को याद रख लिया सा ग प, तो दूसरे बटन पे भी सा ग प, ठीक है, सेम बटन को ही यूज करना है सा ग प, ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार। लेकिन आप कॉर्ड को इस तरफ जो कॉर्ड वाला बटन है ना, इसको आप प्रेस करके रखिएगा इस प्रकार। और इसको किस प्रकार से हम ले सकते हैं, अभी हम काली दो पे कर रहे हैं, तो हमें सबसे जरूरी चीज यही है कि नेक्स्ट जो सॉन्ग है या म्यूजिक है उसको हम रिदम के साथ कौन से स्केल पे बजाने वाले हैं, उसी स्केल पे इस तान को हम छेड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, अन्यथा दूसरा दूसरा स्केल हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे काली दो पे बजा दिए, अब सिंगर है काली पांच से गाना चालू कर देगा तो वो अनफिट टाइप लगेगा इसलिए। और ये चीज को आप गाना जस्ट बंद होते हैं उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे गाना आपका बंद हो गया, ठीक है, गाना आपका बंद हो गया, उसके बाद जस्ट जैसे गाना बंद होता है पूरा सूना हो जाता है एकदम महफिल, तो सुना नहीं करना। जैसे गाना बंद होगा तो जो स्केल पे गाना चल रहा है, मान लेते हैं कि काली तीन पे गाना चल रहा है, तो काली तीन का सा ग प कौन सा हो गया, ये सा ग प, ठीक है, फिर से अगले सप्तक का सा ये हो गया, फिर से अगले सप्तक का सा ग प, फिर अगले सप्तक का सा ग प, ठीक,
इस प्रकार। तो काली तीन पे जैसे कोई गाना चल रहा है और वो काली तीन पे वो गाना चल के जैसे डायरेक्ट जैसे बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया, गाना पूरा चल गया, बंद हो गया और तुरंत हमको वाइब्रो लगाना है। इस प्रकार ठीक है। जैसे काली चार पे अगर कोई गाना चल के बंद हुआ तो काली चार का वाइब्रो हमको तुरंत लगाना है। इस प्रकार ठीक है। तो स्केल को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। तो वाइब्रो का इस्तेमाल आप तीन चार प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप प्रोग्राम के फर्स्ट में ही जिस स्केल पे गाना चल रहा है उस स्केल पे आप वाइब्रो, जैसे काली दो पे हम यहाँ पे चला रहे, ठीक है, तो काली दो, इस प्रकार से ये हमने प्रोग्राम के फर्स्ट में ले लिया। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते, जैसे भक्ति गाना चल रहा है तो हम भक्ति गीत जैसे चल रहा है तो उस पे वाइब्रो को, जैसे काली दो पे चल रहा है तो काली दो का सा गा पा हम पकड़ लेंगे, इस प्रकार हम भक्ति सॉन्ग पे वाइब्रो लगा सकते हैं रिदम के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिदम जैसे चल रहा है उसके रिदम के हिसाब से, इस प्रकार, ठीक। तो ये दूसरा चीज हो गया। पहला चीज क्या था, शुरुआत हम कर सकते हैं जैसे कोई भी गाना चालू होने वाला है तो उस स्केल को लेकर के हम उस पे अपना वाइब्रो चला सकते हैं। सेकेंड चीज, वाइब्रो को हम गाने के बीच पे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज, गाना जैसे ही बंद हो गया तो हम वाइब्रो को ऐसे, जैसे काली तीन पे हमारा गाना चल रहा है तो हम काली तीन पे यहां से ऐसे काली तीन तक ला सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां पे लाना तो इस प्रकार से आप यहां पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाइब्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई सारे टोन रहते हैं जिसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है आगे के वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।